अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक शानदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। ये हम कीमा बनाएंगे तवे पे और इसमें तिक्का बोटी ऐड करेंगे। 2 किलो कीमा है बीफ का और 1 किलो तिक्का बोटी है, ये भी बीफ की है। इसके अलावा 1 किलो प्याज शामिल होगा उसमें, आधा किलो टमाटर, 2 घंटी लहसुन की, थोड़ा हरा धनिया, 10-12 हरी मिर्चें और अदरक का ये टुकड़ा। ये प्याज हमने चॉप कर लिया, अदरक को इस तरह काट लिया और लहसुन का पेस्ट बना लिया और टमाटर भी काट लिए और हरा धनिया भी काट के धो लिया और ये हरी मिर्चें भी काट ली हमने। 400 ग्राम हमने मक्खन लिया। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने ये करना है कि तिक्का बोटी को गलाना है। इसमें मैंने हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून और 1/2 टेबल स्पून मैंने गार्लिक का पेस्ट डाला है और मैं पानी शामिल करूंगी इसमें और इसको इतना गलाना है कि बोटियां टूटे नहीं, अध गले से थोड़ा ज़्यादा हो लेकिन फुल गलने से थोड़ा कम हो क्योंकि तवे पर भी इसने पकना है। व्यूअर्स, ये तिक्का बोटी गल चुकी है जनाब। इस मज़ेदार रेसिपी में और क्या शामिल होने वाला है उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 1.5 से 2 टेबलस्पून नमक शामिल होगा, 3 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्चें भी शामिल हैं। अगर आपको कम पसंद हैं तो आप इसकी मकदार कम कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून कर सकते हैं लेकिन हम लोगों ने 3 टेबलस्पून रखा है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और ये 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ज़ीरा जो तवे पे भुना हुआ है उसको दरदरा किया हुआ ये वो है, और ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ है, 15 से 16 काली मिर्चें हैं, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 10 से 12 लौंग हैं, 2 मोटी इलायची हैं, ये 2 टुकड़े बल्कि 2 पत्तियां कह लें आप बादियान खताई की हैं, 1 पाव दही है, 1/2 मेयरिंग कप मैंने देसी घी लिया है। जनाब, आज की रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसको तैयार मेरे हस्बैंड बट साहब करेंगे और मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करूंगी और आपको बताती जाऊंगी कि तैयार कैसे होता है। अल्लाह ताला ने बट साहब के हाथ में बहुत जायका दिया हुआ है, तवा कीमा हो, सीख कबाब हो, टिक्का हो, बहुत अच्छे माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाते हैं वो ये सब। जी व्यूअर्स, ये वो तवा है जिस पे कीमा बनेगा। इसके अलावा हमें एक परात की ज़रूरत होगी जिसके साथ हम दम लगाएंगे और इनसे हम कीमा पकाएंगे। सबसे पहले हम कीमे में प्याज शामिल करेंगे और सारे गरम मसाला जात जो साबित थे उसमें डाल देंगे। उसके बाद जो हमने लहसुन को चॉप कर लिया उसको भी शामिल कर देंगे। तकरीबन इसमें हम 1/2 लीटर पानी ऐड करेंगे इसको पकाने के लिए, गलाने के लिए, फिर इसको हम दम लगा देंगे। कीमा और प्याज जब दोनों गल जाएंगे तो इसमें हम टिक्के शामिल कर देंगे जिनको हम पहले ही गला चुके हैं। फिर दोबारा हम इसमें 1/2 गिलास पानी शामिल करके दम लगाएंगे। थोड़ी देर बाद दम उतार देंगे इसका। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम, फिर हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करना है इसको। फिर थोड़ा पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल करने लगे हैं, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। तवे पे सारा काम ही होता है, मिक्सिंग का काम होता है। अब इसमें पानी शामिल किया ताकि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो सके। अब इसको हम कवर कर देंगे, थोड़ी देर बाद ढक्कन उतार देंगे उसका और उसमें हम सूखी मिर्ची शामिल कर रहे हैं। आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। अब आपने यहाँ चखना है कि नमक कम तो नहीं है, तो नमक भी शामिल कर सकते हैं। अब आप दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करना है। दोबारा पानी शामिल किया और अच्छे से इसको मिलाना है, यकजान करना है इसको। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, हम दोबारा दम लगा रहे हैं इसको। अब दही को अच्छे से फेंट लें। 5 मिनट के बाद ढक्कन पीछे किया, उसको अच्छे से मिलाया। ये देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें ये दही फेंट के रखा था सारा शामिल किया।
अब इसको दोबारा अच्छे से यकजान करना है दही को कीमे में। अब इसमें रोस्टेड वो जो ज़ीरा और सूखा धनिया था क्रश किया हुआ, उसको शामिल कर रहे हैं। अच्छे से मिलाना है इसको, बहुत कमाल की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे, मक्खन जो 400 ग्राम था। अच्छे से इसके स्लाइसेस करने हैं, फिर इसको तोड़ के ना अच्छे से तो मिक्स करना है। इसके मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे हम। सारा मक्खन मेल्ट हो चुका है और अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें जो काट के रखी हुई थी उनको डाल देंगे और दोबारा से इसको अच्छे से यकजान करना है, मिक्स करना है इसको। और बार बार इसको सेंटर में लाइएगा, जब इसको अच्छे से मिला लेते हैं ना सारी चीज़ों को, फैलाते हैं फिर इकट्ठा करते हैं, ये तवे पे पकाने का एक स्टाइल होता है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं देसी घी जो इसके जायके को दुबाला कर देगा। अब इसका फ्लेम लो कर लेना हमने। जी जनाब, टिक्का कीमा तैयार होने के मराहल में आ चुका हुआ है। अब हम इसमें गरम मसाला जो पिसा हुआ है वो शामिल कर रहे हैं और अदरक जो हमने लंबे स्लाइसेस में काटा था उसको शामिल कर रहे हैं। ये लास्ट टच है इसका। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ये देखिए बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब ये हरा धनिया जो हमने काट के रखा था उसको शामिल कर दिया। हरा धनिया भी शामिल हो चुका है, अच्छे से इसको दोबारा मिक्स किया जा रहा है। अब हम सारे कीमे को सेंटर में करेंगे और उसके बाद इसको दोबारा से दम लगाएंगे। दम लग चुका है, अच्छे से मिक्स किया इसको। और अब व्यूअर्स, ये अब लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि नान जो हम इसके साथ खाएंगे ना उसको भी मक्खन में हम इसी तवे पे फ्राई करेंगे और बहुत जायका आता है इनका, क्योंकि इसके मसाले का एक वो टच होता है ना तवे पे, तो बहुत मज़े का लगता है ये। अच्छा व्यूअर्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में आपका वेट करूँगी और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।